भाई दोस्तों, राम राम। ठंडी हो रही है तो टोपा लगा लिया। और आज करने को एक बात थी कि हम सारी ज़िंदगी जो है ना, एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो हमारी मदद कर सके, जो हमको गाइड कर सके, जो हमारी हेल्प कर सके। और हर आदमी ज़िंदगी में ऐसे भरोसेमंद, अगर माँ होती है तो बेटे, और पत्नी होती है तो पति, और बॉस होता तो ऐसे एम्प्लॉय, और जो कोई भी होता, हर कोई एक वफादार और एक अच्छे दोस्त की तलाश करता रहता है। तो भैया, दूसरे की तलाश पूरी हो ना हो तो खुद क्यों नहीं अच्छा बनते। एक बार की कहानी होती है, एक प्यासा राहगीर जो है ना, एक सेठ के दरवाजे पर जाता है और वहाँ कहता है, सेठ जी, मुझे बहुत प्यास लगी, बहुत दूर से आ रहा हूँ, रास्ते में कहीं नलका नहीं था, तो कृपया करके आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगे। तो सेठ जी कहते हैं, भाई पानी दूंगा, थोड़ी देर रुक। वो आदमी आता है मेरा, मतलब उसका जो नौकर होता है, कह वो बंदा आता है तो उसके आने पर मिलेगा। वो बेचारा राहगीर बड़ा प्यासा होता है, 2 मिनट इंतजार करता है, फिर दोबारा कहता है, सेठ जी मैं प्यास के मारे मना आ जा रहा हूँ, अब रुका नहीं जा रहा है। सेठ जी फिर उससे वही जवाब देते हैं कि भाई रुक, मेरा बंदा आता है, तब वो आकर तुझे पानी देता है। फिर 10 मिनट होते, 15 मिनट होते, कई बार पूछ लेता है, और आखिरी में जो वो सेठ जी को चिल्लाता, कहता कि सेठ जी, पानी पिलाना ना पिलाना ये तो आपके ऊपर है, लेकिन आप जो बार बार बंदा बंदा चिल्ला रहे हैं ना, कह रहे आप बंदे क्यों नहीं बन जाते। तो सेठ का मुंह खुला को खुला रह जाता है। तो भाई, ज़िंदगी में किसी की तलाश करने से अच्छा है कि किसी की तलाश बनिए। कहते ना, अगर आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो तो भैया वो जीवन में ना बहुत ही खुशहाल और बहुत ही एंटिक क्षण होता है, जो शायद वो खुशी देता है जो आपको दौलत, शोहरत और इस जहाँ में कहीं नहीं मिलती। तो किसी की तलाश करने से अच्छा है कि किसी की तलाश बनो, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ और कुछ ऐसे करके दिखाओ और जिससे जो है ना, आप चले जाओ लेकिन आपके जाने के बाद भी दुनिया कहे कि हाँ भाई बंदा हो तो ऐसा, नहीं तो ना हो। खैर, संदीप महेश्वरी जी, विवेक बिंद्रा जी, और बहुत सारे, मतलब देर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑन यूट्यूब जो भाई बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और कहते हैं ना, आज की तारीख में अगर किसी भी समस्या का आपको समाधान पाना है तो अक्सर आप लोग गूगल पे सर्च करते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर गूगल की जगह गीता को पढ़ोगे, कहते हैं ना गीता सार को सुनोगे, तो भैया आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। और भगवत गीता आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले की वो दिव्य वाणी है जो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध के मैदान में दी थी। तो भाई आप सोचो, आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले का वह युग कैसा रहा होगा, सतयुग कैसा रहा होगा, कृष्ण भगवान कैसे रहे होंगे, अर्जुन कैसे रहे होंगे, और कैसी समस्याएं रही होंगी, और वो क्या वाणी थी जो 4 से 5 हज़ार साल हो गए आज भी पुरानी नहीं हुई और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमें देती है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि समय मिले तो भगवत गीता सुनो। प्यार मोहब्बत क्या क्या कहते हैं, क्या रखा है इस दुनिया में, अपना ध्यान लगा ले प्रभु में। तो भैया, इस मोह माया से निकल के भगवान की वाणी, भगवान की सेवा में ध्यान लगाओ और इस 84 लाख की उन्हें से मुक्ति पाओ। खैर, वीडियो अच्छा लगा और लाइक करो। अदरवाइज़ मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मन आता है तो 2 लफ्ज़ बोल देता हूँ जो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक कर देते हैं। और आपका इतना प्यार, सम्मान और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।